राज्य स्तरीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में जोधपुर के 20 प्रतिभागियों में से 16 ने जीत हासिल की। स्ट्रांग मैन का खिताब भी जोधपुर के ही सुनील ने जीता। जिला सचिव मनोहर सिंह सांखला ने बताया कि पूरे राजस्थान से 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जोधपुर के खिलाड़ियों ने दबदबा बनाते हुए ट्रॉफी और स्ट्रांग मैन जोधपुर के नाम किया। उन्होंने बताया कि जोधपुर ने 6 बार चैंपियनशिप जीती है, वही सुनील कुमार 2 बार स्ट्रांग मैन बने हैं। मगरा पोंछला स्थित द लॉयन जिम में जिला पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट हुआ था 59 बॉडी वेट कैटेगरी के अंदर, मैंने 152 केजी बेंच प्रेस करके नया डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड और उसी के साथ में स्ट्रांगमैन का खिताब जीता। और स्टेट कंपटीशन चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ और वहाँ पे भी मैंने राज्य स्तरीय रिकॉर्ड बनाकर स्ट्रांगमैन ऑफ राजस्थान का खिताब अपने नाम किया। और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता जो है गोवा के अंदर होने जा रही है, वहाँ पे भी मैं अपना अच्छा प्रदर्शन करूँ और जोधपुर और राजस्थान का नाम रोशन करूँ। ये श्रेय मैं मेरे गुरु सुरेंद्र बहादुर सिंह जी आर्य मर्दुर व्यायामशाला के वरिष्ठ दलपति और मेरे कोच अमन बारासा को देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। 26वीं राज्य स्तरीय बेंच प्रेस जूनियर सीनियर और मास्टर प्रतियोगिता चित्तौड़गढ़ में 11 और 12 को आयोजित की गई, जिसमें जोधपुर के 20 खिलाड़ियों ने भाग लेकर के अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6 बार चैंपियनशिप हासिल की। और जोधपुर के सुनील कुमार सोलंकी ने स्ट्रांगमैन का खिताब जीता। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। जिला पावरलिफ्टिंग संघ सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता है। ये जो अभी टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी प्रथम आए हैं वो 15 नवंबर से गोवा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे।